हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम आपको बताएंगे कि आप अपने प्लॉटर का ब्लेड को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, बस यहाँ पे ये जो इसका होल्डर है, यहाँ पे एक नट है, इसको आपको इस तरह से ढीला करना है, इस तरह पूरा ढीला कर देना है। ढीला करने के बाद इसको इस तरह से खींच करके ऊपर निकाल लेना है। इस तरह निकालेंगे, उसके बाद ये जो है इसका ये भी खुलेगा, इसको इस तरह से खोल लेना है। इस तरह से इसको पूरा खोलना है। खोलने के बाद ये जो ब्लेड दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको खींच करके इस तरह से यहाँ पर निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको यहाँ से एक ब्लेड निकालना है, आपके पास जो भी है वो ब्लेड को निकालना है इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इसको खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से लगा देना, बस कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा तेल वगैरह डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बैरिंग दिया हुआ रहता है, ये आपका सही से अच्छा से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर से ये जो है इसका ढक्कन है, इसको इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, लगाने के बाद फिर से आपको इसको इस तरह से यहाँ पर इंसर्ट कर देना है, और इस तरह लगाने के बाद इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद यहाँ पर इस तरह स्टिकर लगाना है, और आपको अपना फोर्स सेट कर लेना है। तो फोर्स सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टिकर लगा लेना है, और स्टिकर लगाने के बाद फोर्स सेट करने के लिए आपको ये जो इसका प्रेशर है, तो इसको एकदम जीरो कर देना है, जितना कम से कम हो सके। तो यहाँ पे सबसे कम मेरा 50 होता है, रेड सेल का प्लॉटर है, तो इसमें 50 से कम नहीं होता है। तो सबसे कम, तो बिल्कुल इसको सबसे कम कर लेना है। कम करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन बटन पे क्लिक करना है, यह लाइट जल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट हो चुका है। लेकिन हम स्टिकर को देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी कटिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा फोर्स को बढ़ा देंगे। 50 है तो इसको हम 70 कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 70 कर दिए, और उसके बाद फिर से एक बार टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल और थोड़ा सा कटिंग हुआ है, फिर भी इसमें बिल्कुल कटिंग नहीं हुआ है। कटिंग नहीं हुआ तो फिर से इसको फोर्स को हम क्या करेंगे, अपना हिसाब से आपका जितना भी होगा उसको बढ़ा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 कर देते हैं। 100 करने के बाद ऑनलाइन करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा 100 के अंदर में यहाँ पे स्टिकर इस तरह से कटिंग हुआ है, लेकिन पूरा कटिंग नहीं हुआ है। तो इसको हम 120 कर देंगे या 140 कर देंगे, इससे क्या होगा कि मेरा स्टिकर लगभग कट जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फोर्स को 140 कर दिए, क्योंकि मेरा 140 में विनाइल अच्छा से कटिंग करता है। और उसके बाद टेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा 140 में स्टिकर कटिंग हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा 140 में बहुत अच्छा से स्टिकर कटिंग हो चुका है। तो इस तरह से धीरे धीरे फोर्स को आपको बढ़ाते जाना है और टेस्ट करते जाना है। जितना में आपका प्लॉटर सही से कटिंग कर रहा है, ब्लेड सही से कटिंग कर रहा है, उतना में आपको स्टॉप कर देना है। ओके, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मेरा 140 में अच्छा कटिंग होता है। अगर आपका कोई दूसरा प्लॉटर है तो हो सकता है 150 में भी हो या 200 में भी हो, जितना भी हो आप उसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ब्लेड को चेंज करके और उसमें फोर्स सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।